अगर आप एक बोट ब्रांडिंग का ब्लूटूथ स्पीकर कंसिडर करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज जाएं कि बोट स्टोन 350 जिसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपए, जो कि मार्केट को बढ़िया तरीके से काफी टाइम से ग्रैब किया हुआ है, इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए, या फिर बोट स्टोन 500 जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है जिसमें आपको आरजीबी लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा 400-500 रुपए और इन्वेस्ट करके, इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए। ये जो आपका कंफ्यूजन है इस वीडियो में बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्जैक्टली क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस, फिर हम चेक करेंगे दोनों की बिल्ड क्वालिटी और हम करेंगे एक साउंड टेस्ट, एक ही म्यूजिक प्ले करेंगे हम दोनों ही स्पीकर्स में, ताकि वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर ही लें कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस चेक। सो हियर यू कैन सी कंपेयरिंग द बोट स्टोन 500 विद द बोट स्टोन 350 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलेगा एंड दोनों में ही आपको 10 वॉट्स का साउंड आउटपुट भी मिल जाएगा। एंड 350 में आपको IPX7 वाटरप्रूफ रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा एंड ऐसे कोई आपको IPX रेटिंग नहीं मिलने वाली है 500 में। एंड बोट स्टोन 500 में आपको RGB लाइट्स का ऑप्शन और वॉइस असिस्टेंट फीचर भी मिल जाएगा, जो कि ये दोनों पार्ट मिसिंग है बोट स्टोन 350 में। एंड दोनों में ही आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन मिलेगा फॉर कॉलिंग पर्पस। एंड बोट स्टोन 500 में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी, USB एंड FM रेडियो का ऑप्शन मिलेगा। एंड बोट स्टोन 350 में आपको ब्लूटूथ, ऑक्स और SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड दोनों को ही आप TWS मोड में प्ले कर पाएंगे, दो ऐसे आप स्पीकर्स कनेक्ट करके पार्टी मोड में प्ले कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, बोट स्टोन 500 में आपको 1200 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड कर देगी ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड बोट स्टोन 350 में आपको 2200 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड कर देगी ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड बोट स्टोन 500 का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1900 रुपीज एंड बोट स्टोन 350 का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज। सो देखा जाए दोनों की जो स्पेसिफिकेशंस पार्ट है, आपको अच्छे मैनेजेबल प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ एडिशनल चीजें मिलने वाली है 500 में जो कि मिसिंग है 350 में, लेकिन आपको कुछ पार्ट मिल जाएगा 350 में जो कि मिसिंग है 500 में। लेकिन जो बैटरी पार्ट है उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 500 में। 500 में यार काफी कम बैटरी लाइफ दी गई है मेरे हिसाब से। 2000 रुपए के प्राइस पॉइंट के आसपास आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी लाइफ तो नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट 10 से 12 घंटे का बैटरी लाइफ देना ही चाहिए था। और जो आरजीबी लाइट्स है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आरजीबी लाइट्स के साथ ऑन करके अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो बैटरी लाइफ थोड़ी आपको कम मिलेगी। आरजीबी लाइट्स ऑफ करके अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपको बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो बैटरी पार्ट है आपको काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है 500 में। लेकिन 350 में आपको बिल्कुल बढ़िया बैटरी लाइफ मिल जाएगी, 10 से 12 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड कर देगी अगर आप म्यूजिक को 60 या 70% वॉल्यूम तक सुनते हैं तो। अब हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की। सबसे पहले हम पकड़ते हैं रिसेंटली लॉन्च बोट स्टोन 500 को। इसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा बल्कि आपको ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलेगा एंड काफी लाइट वेट है, इसको आप आराम से कैरी तो कर ही सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी पोर्टेबिलिटी में। इसको आप बैग में कहीं भी कैरी कर सकते हैं एंड ऊपर आपको बिल्कुल क्लॉथ मटेरियल मिल जाएगा, साइड में आपको बिल्कुल प्लास्टिक मटेरियल मिल जाएगा एंड दो आपको बेस रेडर्स मिलने वाले हैं। एंड अगर हम ध्यान देंगे दोनों ही बेस रेडर्स के, 500 के और 350 के, जो बोट स्टोन 350 है उसमें आपको मेटलिक बेस रेडर्स मिल जाएंगे दोनों साइड पे, थोड़े बहुत आपको प्रीमियम क्वालिटी आपको बेस रेडर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू 500। बोट स्टोन 500 में आपको प्लास्टिक के बेस रेडर्स मिलने वाले हैं, मेटलिक बेस रेडर्स नहीं मिलने वाले हैं। एंड साथ ही में 500 में आपको एक अलग से स्लॉट मिल जाएगा रबर का, जिसमें आपको सारे के सारे मल्टी पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको यूएसबी का आउटपुट, ऑक्स इनपुट और टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है टू चार्ज योर ब्लूटूथ स्पीकर। एंड साइड में आपको अलग से यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है जिसमें आपको अलग से शूलेस दी गई है, जो आपको स्ट्रैप है यहाँ पे आप अलग से बिल्कुल लगा के इसको कैरी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको इसका यूसेज है तो। एंड 500 में आपको आरजीबी लाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है, अगर आपको आरजीबी लाइट्स की तरफ जाने तो उसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। लुक एंड फील से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है 500 में। एंड बात करेंगे बोट स्टोन 350 की, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप का आपका ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको बल्कि और स्टडीनेस देखने को मिलेगी 350 में एज कम्पेयर टू 500। एंड जो लुक एंड फील है पर्सनली मुझे ना थोड़ा बहुत बेटर लगता है 350 का एज कम्पेयर टू 500 आपको थोड़ा बहुत बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत सिलेंड्रिकल है और थोड़ा बहुत हो सकता है हैवीनेस आपको लगे 350 में एज कम्पेयर टू 500, क्योंकि इसका जो वेट है 500 का थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको इतना हैवी वन फील नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का बल्कि लग सकता है 350 एज कम्पेयर टू 500। लेकिन इसको आराम से कहीं भी पोर्टेबल तरीके से कैरी कर पाएंगे, इसमें आपको कैरिंग स्ट्रैप मिल जाएगा, इसको आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बैग में कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मेटलिक आपको बेस रेडर्स मिल जाएंगे दोनों साइड से, जो कि काफी तक अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड जो बिल्ड क्वालिटी है मेरे को थोड़ी बहुत स्टडी लगी, थोड़ी बहुत बेटर लगी 350 की एज कम्पेयर टू 500। एंड 350 में भी आपको एक स्लॉट मिल जाएगा जिसमें आपको ऑक्स इनपुट मिल जाएगा, एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी का स्लॉट मिलने वाला है चार्जिंग पर्पस के लिए, टाइप सी का आपको पोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन पर्सनली मेरे को थोड़ा बहुत लुक एंड फील जो है, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, जो बेस रेडर्स है, मेरे को थोड़ी बहुत बेटर लगे 350 के एज कम्पेयर टू 500।
एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के मल्टी फंक्शन बटन्स की, दोनों में ही आपको प्रॉपर प्लेसमेंट मिल जाएगा मल्टी फंक्शन बटन्स का, मोटे मोटे आपको प्रॉपर बटन्स मिल जाएंगे। यू कैन प्ले पॉज, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। एंड 500 में आपको मिलने वाला एक्स्ट्रा एम मोड, एम बटन दिया गया है जिससे आप अलग अलग मोड स्विच कर सकते हैं। एफएम रेडियो का ऑप्शन दिया गया है, उसमें स्विच कर सकते हैं। एफएम का ऑप्शन आपको 350 में नहीं मिलने वाला है। सो ये तो हो गए सारे के सारे इसके लुक एंड फील की बात, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के म्यूजिक एक्सपीरियंस की, अब हम करेंगे एक ही म्यूजिक से दोनों का साउंड टेस्ट, फिर एक्जैक्टली आपको पता चल जाएगा एक्जैक्टली जो म्यूजिक और बेस आउटपुट है किसका आपको बेटर मिलने वाला है। साउंड टेस्ट देख के आपको अंदाजा लग सकता है एक्जैक्टली दोनों से आपको म्यूजिक आउटपुट कैसे मिलने वाला है। लाउडनेस की बात करेंगे 10 वर्ड्स के हिसाब से दोनों में आपको अच्छी एडिकेट लाउडनेस मिल जाएगी। आप लाउडनेस को लेकर फर्क नहीं कर पाएंगे कौन सा लाउड है, आपको दोनों में ही ऑलमोस्ट इक्वली ही लाउडनेस मिल जाएगी। अगर आप 8 से 10 लोगों के बीच में गैदरिंग करते हैं, छोटे मोटे ट्रिप्स करते हैं, आउटिंग करते हैं, घर में छोटे से अगर आप छोटे से रूम में बैठ के अगर आप म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं, दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं लाउडनेस के मामले में। लेकिन जो डिटेलिंग है थोड़ी बहुत मुझे बेटर लगी 350 में एज कम्पेयर टू 500। जो ट्रेवल्स है मेरे को थोड़ी बहुत बेटर लगे 350 में एज कम्पेयर टू 500। सो म्यूजिक पार्ट को लेके आप आधा एक कदम आगे बोल सकते हैं, 350 में आपको थोड़ा बहुत बेटर म्यूजिक मिलेगा, जब तक क्लैरिटी मिलेगी, डिटेलिंग मिलेगी एज कम्पेयर टू 500। और बेस की बात करेंगे, बेस में भी यहाँ पे साफ साफ आपको 350 में बेटर बेस मिलने वाला है एज कम्पेयर टू 500। हालांकि दोनों में आपको बेस रेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको मिलने वाले हैं मेटलिक बेस और उसमें आपको मिलने वाले हैं प्लास्टिक बेस। लेकिन जो बेस आउटपुट है आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेटर लगेगा, बूस्टेड लगेगा 350 का साफ साफ एज कम्पेयर टू 500। सो साफ साफ म्यूजिक क्वालिटी और बेस क्वालिटी को लेकर 350 आगे है एज कम्पेयर टू 500। सो भाई ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस। एक्जैक्टली अगर एंड ऑफ द डे मुझसे पूछा जाएगा विच वन टू ऑप्ट फॉर, सो भाई सिंपल सी बात है, मुझे आरजीबी लाइट से इतना मतलब नहीं है। अगर आपको मतलब है आरजीबी लाइट से, आपको थोड़ा बहुत लुक एंड फील बेटर चाहिए, आरजीबी लाइट्स का आपको ऑप्शन चाहिए, आपको यूएसबी और एफएम रेडियो का ऑप्शन चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बैटरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको बेस पार्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन 350 में आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगा एसडी कार्ड का ऑप्शन, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, ब्लूटूथ ऑक्स और एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, आपको ज्यादा बैटरी लाइफ मिल रही है, बेटर आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल रहा है, पावरफुल आपको बेस मिल रहा है। सो मैं साफ साफ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलेगा कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू 500। सो मेरा अभी वोट जाएगा 350 को, 4-5 रुपए बचा के मैं बोट स्टोन 350 को कंसिडर करूंगा एज कम्पेयर टू बोट स्टोन 500। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। मैंने आपको सारे के सारे डिफरेंसेस बता दिए, सब आपको डिटेलिंग बता दी, साउंड टेस्ट भी करके बता दिया। आप एक्जैक्टली आप डिसीजन मैटर करता है कि दोनों में से आपको कौन सा प्रेफरेबल है, उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। दोनों के ही पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना हो, आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन द बोट स्टोन 350 ब्लूटूथ स्पीकर विद द बोट स्टोन 500 ब्लूटूथ स्पीकर विद आरजीबी लाइट्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।